वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पर एक न्यूज़ मुझे अभी पता चला और कल भी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बताया था कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके जो मीटिंग हुआ था उसमें कुछ फाइनल यहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ है। मैं आपको ये भी कहा था, आई थिंक वो मीटिंग यहाँ आई थिंक हुआ नहीं है। बट यहाँ पे अभी एक न्यूज़ मुझे अभी देख रहा था कि वो जो मीटिंग है आई थिंक पोस्टपोन हुआ है और वो मीटिंग आई थिंक 22 को यहाँ पे आई थिंक होने वाला है। 22 को अभी शायद मैं भी फिर से चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले काफ़ी वीडियो में कह चुका हूँ ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है, अभी लंबा दिन के लिए चलेगा। बट मैं भी इस टाइप का हो सकता है कि 22 को भी फाइनल हो सकता है कि अभी कुछ बैंक का जो नाम यहाँ पे डिस्क्लोज हो सकता है प्राइवेटाइजेशन को लेके। और एक्चुअली कल होने वाला था 14 अप्रैल 2021 का एक मीटिंग था, आई थिंक वो मीटिंग अभी हुआ नहीं है। मे भी हो सकता है कोरोना के वजह से, और यहाँ पे काफ़ी सारे कोरोना अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो मे भी वो पोस्टपोन हुआ है। मे भी 22 को अभी एक न्यूज आ रहा है, मे भी 22 को हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बारे में फाइनलिस होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं, कि लेट में होगा कि जल्दी होगा, कि दो बैंक पहले होने वाला था उसको लेके यहाँ पे शायद कुछ न्यूज आ सकता है। तो अभी क्या है कि डायरेक्ट 22 को मैं वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसके बीच में अगर कुछ न्यूज आता है तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी कोई न्यूज आता है, ब्रेकिंग न्यूज आता है, तो आपको पहुंच जाएगा पहले वीडियो का नोटिफिकेशन। तो ये था एक शॉर्ट अपडेट, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कहने के लिए, बस यही कि 14 को जो मीटिंग हुआ था वो आई थिंक 22 को होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा।